दोस्तों, आप अगर रियली तैयारी करना चाहते हो कोई भी जॉब के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे तपन गढ़ई सर्च करके उधर आप फॉलो कर सकते हो, और कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, ज़रूर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है दोस्तों, एप्लीकेशन आपकी मोबाइल में ये होना चाहिए, आप ज़रूर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा सकते हो। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया था, उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। क्या आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो अभी जो नोटिस आया था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया था रेलवे ने, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ऑफिशियली नोटिस जारी किया था। यहाँ पे क्वेश्चन सवाल आ रहा है आप लोग से तरफ से कि ये जो नोटिस जारी किया, क्या CBT 2 के लिए या CBT 1 के लिए, ये प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, उसका पूरा सवाल लेके आया हूँ, पूरा आंसर लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। पहले मैं आप लोग को इसको डाउनलोड करके आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को पूरा ऑफिशियली दिखा दूंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इसका जो ऑफिशियली नोटिस डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को RRB जोन सिलेक्शन करना है, और जो एग्जाम ट्रेड सिलेक्शन करना है, और कंफर्म मॉडिफिकेशन जो बैंक डिटेल्स करना है। दोस्तों, ये CBT 1 के लिए है, CBT 1 के लिए है दोस्तों। जिसके पास आपको 2 नंबर रखे हो तो भी आप भरना चाहिए, अगर आप 70 नंबर रख रहे हो, 70 मार्क रख रहे हो, तो भी आप इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा नहीं गया है कि CBT 2 के लिए ये सारे भरना है, CBT 2 के लिए नहीं है गाइस, CBT 1 के लिए। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है एग्जाम, CBT 1 अगर आप एग्जाम दिए हो तो इसको आप लोग को भरना चाहिए। अगर आप गलती से भी आपकी अकाउंट नंबर प्रॉब्लम कर दिया है या कुछ गलत एंट्री हो गया, तो आपको ₹400 रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर इससे पहले जो RRB का जोन सिलेक्शन किया था उसमें वैकेंसी कम था, इस बार जो वैकेंसी बढ़ने के बाद रिवाइज्ड वैकेंसी वाइज आप लोग को RRB जोन चूज करने के लिए गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रहा है, तो इसीलिए जो लोग भी 5 मार्क रखे हैं या 2 मार्क रखे हैं, उन लोग को, सब लोग को ऑप्शन मिल रहा है, ना कि आप CBT 2 को जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को ही ये ऑप्शन मिल रहा है, सब लोग को पहले बात मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, CBT 2 में जो ट्रेड सिलेक्शन करना पड़ेगा आप लोग, CBT 2 में मुझे तो इसमें ऑफिशियली रिजल्ट अभी नहीं आया है, CBT 1 का जो है वो ऑफिशियली रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके बाद आप लोग को CBT 1 का रिजल्ट पहले निकलेगा, रिजल्ट में आपको मिनिमम मार्क एक वो सेट करेंगे, SC ST OBC जनरल के लिए मिनिमम मार्क सेट करेंगे, उसी मार्क वाइज मुझे तो लग रहा है बहुत कम कट ऑफ जाएगा, मतलब उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग का हो जाए, 9 लाख कैंडिडेट इन लोगों ने लेके जाएंगे CBT 2 के लिए, CBT 2 के लिए 9 लाख कैंडिडेट जाएंगे। सपोज उनको 30 मार्क सेट किए हैं, तो 30 मार्क सब में 9 लाख कैंडिडेट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उनका कट ऑफ कम हो जाएगा, 25 को आ जाएगा, 25 में भी 9 लाख कैंडिडेट नहीं हो रहा है, तो आपको 20 में भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस बार तो हाई कट ऑफ नहीं जा सकता है CBT 1 में, क्योंकि बहुत बच्चे ने बहुत खराब किए हैं, स्कोर बहुत कम आ रहा है एवरेज स्कोर, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और इसको जो भरना है आप आराम से भर दीजिए, जो ऑफिशियली नोटिस आया है आप लोग को ये आराम से इसको भर दीजिए, भरने के बाद निश्चिंत रहिए, रिजल्ट को वेट कीजिए, CBT 1 का जो रिजल्ट है उसको वेट कीजिए, रिजल्ट आने के बाद आप लोग कन्फर्म हो जाओगी, आपकी स्कोर भी कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद आप सेफ जोन में जा रहे हो या आप लोग CBT 1 से रिटर्न आ रहे हो, उसके बाद पता चल जाएगा, थोड़ा ही पेशेंस रखिए। और उससे जो डेट दिया गया है 23 अक्टूबर तक आपको ये सारे फुलफिल करना है, तो आप ज़रूर इसको फुलफिल कर देते हैं, कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम RRB सिलेक्शन करने के बाद फिर मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं है दोस्तों, इसमें RRB पटना में जाओगी तो FAQ का एक ऑप्शन होगा, उसमें स्पेशली लिखा गया है, अगर आप RRB एक बार चूज कर लेते हो और उसके बाद कन्फर्म कर देते हो, उसके बाद RRB चेंज नहीं कर सकते,
सकते हो, इसीलिए आपको सोच समझ के करना पड़ेगा आरआरबी सिलेक्शन। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कोई भी इशू हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और दोस्तों और भी जानकारी चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अनअकैडमी में फॉलो कर करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।